क्या मिलने वाला है। तो साइज में अच्छा खिला हुआ है फल, तो उसका साइज क्या और कितना मिलेगा आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। क्यों अच्छा प्लॉट है, प्लॉट के वजह से आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार प्लॉट है। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए अभी इसका साइज ये देख सकते हैं, आधा फीट, एक फीट, एक कम से कम इसका सर राउंड आप गिनेंगे तो लगभग दो फीट के या ढाई फीट के करीब है। तो अभी ये खाली फलियां लगने चालू हुई है, अभी इसका ज़्यादा बड़ा फली हो गया तो काटने के टाइम में बहुत बड़ा हो सकता है। तो लेकिन आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड है, 20, 25, 30 किलो कम से कम 25 से 30 किलो का एवरेज मिल जाता है। किसान दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जो दीपक नेक्सीजन जो कंपनी फीड जो झींगा मच्छी की फूड की काम करती है, उसके बाजू में रेलवे ट्रैक है, उसके बाजू में पॉम ऑयल का प्लांट है। चलिए प्लांट देखते हैं अंदर जाकर। आज विजिट दिया हूँ हनुमान जंक्शन जो पाम ऑयल की खेती है, यहाँ पर मैं अभी आ चुका हूँ। तो पाम ऑयल की खेती कैसे की जाती है और सटीक तरीका क्या होता है, कौन से तरीके से इसकी प्लांटेशन करना चाहिए, ये देखिए इसका गूदा कितना अच्छा हुआ है। तो आप भी आपके खेत में पाम ऑयल लगा सकते हैं। ये देखिए पाम ऑयल एक्चुअली ऐसा होता है, मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए पाम ऑयल जो बड़ा होके इससे खाने का ऑयल बनता है, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। अभी ये फ्लावर स्टेज में है, ये अभी ये जो पेड़ देख रहे हैं आप 6 साल का है, इसका गूदा देख रहे हैं कम से कम इसका डायमीटर 6 फीट के करीब है। इसकी तबीयत देख सकते हैं पेड़ की, बहुत ही अच्छा पाम ऑयल का प्लॉट है ये हनुमान जंक्शन में। मैं आंध्रा में आया हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये कौन से तरीके से लगाना चाहिए और इसका सही मात्रा में डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, मैं आपको मेरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स गो। तो किसान भाइयों, ये पेड़ से पेड़ की दूरी 25 फीट है, ये देखिए पेड़ से पेड़ की दूरी 25 फीट है, ताकि इसके जो फंदियाँ रहते हैं एक में एक ना फंसे, कम से कम एक फंदी अपने जड़ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ऊपर क्रॉस में जॉइंट हो रहे हैं, तो ऐसा ज़्यादा जॉइंट नहीं होना चाहिए, उसको सौर्य संश्लेषण क्रिया में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए ये एक झाड़ और ये एक पेड़ दोनों के बीच में, यानी कि जिगजैग मोड़ पे ये प्लांटेशन किया हुआ है, ना ड्रिप है ना कुछ है। लेकिन किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आंध्रा में बहुत फर्क है, अभी कर्नाटका महाराष्ट्र में आपको ड्रिप करना पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी दिसंबर मंथ चालू है, ज़मीन के अंदर देखिए नमी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ज़मीन के अंदर नमी बनी हुई है, तो इसीलिए इसका शहद इतना अच्छा है। तो आपके यहाँ पर पानी की कमजोरी होने के वजह से आप इसको डबल लाइन ड्रिप करके आप भी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, तो अभी इसका फ्लावर स्टेज चालू है, कहाँ फलियाँ लगे हैं कहाँ फ्लावर स्टेज में चालू है, तो इसकी डिमांड एक पेड़ में एक महीने साल भर का ये फल देने वाला पेड़ है। तो किसान भाइयों, आप भी एक गुच्छे में 25-30 किलो जो एक गुच्छा रहता है, ये 25-30 एक एक का एवरेज भी मिल जाता है, अच्छा एवरेज मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये प्लांट का बहुत ही अच्छा माइलेज मिलने वाला है, क्योंकि इसका ये जो गूता है इसका रेंज बहुत ही बढ़िया है।
तो किसान भाई हो, खेत का किसान नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बना रहा है। तो आप देख सकते हैं जो यह फली है, इसके पूरा एक काटने के बाद इसका निकलता है फलिया। तो ये जो निकलता है एक साइज आपका 40 किलो भी हो सकता है। किसान भाइयों, जो ये किसान ने जो खत डाले हैं वो आप देख सकते हैं वीडियो में कि ट्रेन जा रही है। किसान भाइयों ये देखिए, 10 26 26 26 NPK कृष्णा भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड सेक्टर नोएडा दिल्ली से आया हुआ है ये क्रिप्को कंपनी का फर्टिलाइजर है। आप भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, आप सजेस्ट लेंगे तो आप आपके नज़दीक गोदरेज कंपनी जो है उससे आप कांटेक्ट करके आप भी आपके खेत में लगा सकते हैं। भाई आज मैं जो आपको जो कुछ बताया हूँ तो आपके आप भी आपके खेत में कर सकते हैं प्लांटेशन, और आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज़्यादा अच्छी ज़मीन की कुछ ज़रूरत नहीं है, हल्की सी हल्की ज़मीन भी रहे तो एक अच्छा पौधा आ सकता है। इसको ज़्यादा पानी की भी मात्रा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी है तो डबल लैटरल ड्रिप करके आप इसको पानी दे दीजिए। तो आप आपके लगाने का सीज़न ये ज़्यादा ठंडी में ना लगाइए, थोड़ा गर्मी, हर एक पेड़ को नमी से ज़्यादा गर्मी होना चाहिए। नमी में क्या है, पेड़ ग्रोथ नहीं होता है। तो किसान भाइयों, आज मैं मेरे वीडियो में मेरे को जितना मालूम था उतना मैं आपको बताया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किसान भाइयों, मेरे सब्सक्राइबर 800 के करीब सब्सक्राइब हो गए हैं, तो आप मेरे से जुड़ने के लिए आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को आगे भेजना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, ये देखिए जो ये बना हुआ है, ये 40 किलो आराम आपका टारगेट मिल सकता है, लेकिन आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड है। 20 25 30 किलो, कम से कम 25 से 30 किलो का एवरेज मिल जाता है। वहाँ एक गुच्छा आया है, आपको मैं डिक्लेयर बता देता हूँ कि इसका साइज अभी क्या है और इसका वजन क्या मिलने वाला है। तो साइज में अच्छा खिला हुआ है फल, तो उसका साइज क्या और कितना मिलेगा आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। क्यों, अच्छा प्लॉट है, प्लॉट के वजह से आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार प्लॉट है। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए अभी इसका साइज ये देख सकते हैं, आधा फीट, एक फीट, एक कम से कम इसका सर राउंड आप गिनेंगे तो लगभग 2 फीट के या 2.5 फीट के करीब है। तो अभी ये खाली फलियां लगने चालू हुई है, अभी इसका ज़्यादा बड़ा फली हो गया तो काटने के टाइम में बहुत बड़ा हो सकता है। तो किसान भाइयों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।